अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। जिलहज का महीना है, ज़रूर नेकी का काम कर रहे होंगे। बागवानी आपका शौक़ है, उसे भी पूरा टाइम दे रहे होंगे और उसे भी जारी सारी रखे हुए होंगे। इस वक्त मैं आपके सामने ये चार मुख्तलिफ दरख्तों की टहनियाँ हैं, कटिंग्स हैं, इनको हम वैसे वैसे तो कटिंग अलग अलग लगाते हैं, लेकिन हम इसे एयर लेयरिंग के तरीके से एयर लेयरिंग वाले तरीके से करने के बाद पानी में रख देंगे। ये एक नया तजर्बा है जो अगर कामयाब हो गया तो बहुत सारी चीज़ें वाज़े और साफ़ हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि बाहम मरबूत भी कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी इनकी ग्राफ्टिंग भी कर देंगे कि जब ये इकट्ठे ग्रो हों, जब इनके स्पाउट निकलें, इनके बालों पर निकलें, इनके पत्ते निकलें, ग्रोइंग शुरू कर दें, तो हम इसे इकट्ठा किसी किसी एक पॉट में लगा देंगे। चार दरख्त एक बन के निकलेगा तो अजीब नज़ारा देगा। इसमें हमने ये एयर लेयरिंग की तर्ज पर कट लगाए हैं। ये देखिए, एयर लेयरिंग की तर्ज पर हम इन को एक ही जगह पर, एक ही मुकाम पर, इसी जगह पे, इसी तरह एक जितना साइज नीचे से हमने रखा है उसी साइज पर हम इसका कट लगाएंगे। फिर इसके बाद इसके जिस तरह एयर लेयरिंग के लिए उस जगह की सफाई करते हैं, उस तरह हम इसकी सफाई करेंगे, चारों चारों कटिंग्स की। ये तीन चार दरख्तों की टहनियाँ हैं, कटिंग है, जिसमें आम शामिल है, जिसमें किन्नू शामिल है, जिसमें अमरूद शामिल है। ये तजर्बा देखते हैं कामयाब होता है कि नहीं, हम इसके बारे में आपको कुछ अरसे के बाद बताएंगे। दरअसल दरख्त के ऊपर तो हम जब एयर लेयरिंग करते हैं तो उस जगह पर उसको खुराक और नमी और दूसरी चीज़ें जो हैं वो उसके अपने अपने ही पौधे से हासिल होती रहती हैं। लेकिन यहाँ इस तरह का तजर्बा करने का मकसद ये है कि इसमें जो है कटिंग की तर्ज पर इसको एयर लेयर किया जाए, और इस जगह पर जो है इन इसको करने के बाद हम जब इसको करेंगे तो इसमें हमारे अंदाज़े के मुताबिक, चूंकि ये आमतौर पे कटिंग की सूरत में जब इसको रखा जाता है तो इसमें होता ये है कि ये कटिंग पानी ना मिलने और नमी ना मिलने की वजह से सूख जाती हैं, इसीलिए कटिंग को ज़मीन में ग्रो किया जाता है ताकि उसे नमी ज़मीन से मिलती रहे। लेकिन एक हद पर जाने के बाद वो अगर उसकी जड़ें ना निकलना शुरू हों तो ये कटिंग सूखना शुरू हो जाती है। हमने ये तजर्बा दरअसल इस ये सोच कर किया है कि एयर लेयरिंग
की तर्ज पर इसको किया जाए तो इस जगह पर जो है रूट्स भी निकलेंगी और उन उसको पानी जो है वो इसकी जड़ों के यानी कि वो तो वो उसकी जगह पर जो है वो नीचे की साइड से जब इसे हम पानी में लगाएंगे तो जिस तरह मनी प्लांट पानी से अपनी खुराक हासिल करते हुए पानी में भी लग जाता है, हमारी कोशिश ये है कि इसको खुराक जो है इसी इस पानी के ज़रिए इसके निचले हिस्से की से जो है इसको हासिल होती रहे। हम इस वक्त इसको ऊपर की साइड से इसकी ग्राफ्टिंग के लिए इसकी कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको इस जगह से काटने के बाद हम दूसरी शाखों को भी इसी जगह से इसकी जिल्द को छीलेंगे और फिर इन इनको यकजा बांध देंगे इस जगह पे। और नीचे जो है वो ये जो इस वक्त मैं छील रहा हूँ ये बुनियादी तौर पे ग्राफ्टिंग का एक तरीका है। इस दो दोनों शा, दो, दो 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 शाखों को इसी जगह से यकजा करके हम आपस में इनको इस जगह पर बांध देंगे। आमतौर पे प्लास्टिक की एक पतली सी शीट के ज़रिए इसके अंदर हवा दाखिल होने से रोका जाता है जब ग्राफ्टिंग की जाती है, लेकिन मेरा तजर्बा ये है कि अगर ग्राफ्टिंग की वो सूरत ज़्यादा कामयाब नहीं होती तो इसको अगर मोटे धागे से या डोरी के साथ कसकर बांध दिया जाए तो ये ग्राफ्टिंग जो है ये एक दूसरे में पेवस्त होने के बाद कामयाब हो जाती है। तो इसको हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा जो पत्ते इसके हमने इसके तने के साथ से नहीं काटे थे और थोड़ा सा उनको छोड़ दिया था तो अब जिस वक्त हम इसको ग्राफ्टिंग के लिए इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं तो वो दरमियान में रुकावट बनने की कोशिश करें, इसलिए उनको थोड़ा सा छीलना पड़ रहा है या और थोड़ा सा उन पत्तों को काटना पड़ रहा है। ये देख रहे हैं आप धागे की मदद से अब मैं इसको इस जगह पर इतनी सख्ती से बांध दूंगा कि ये एक दूसरे में पेवस्त हो जाएं। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है जो कि मैं सरंजाम दे रहा हूँ। आप भी इसको इसी तरह करके ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग दरअसल दो दरख्तों की टहनियों को एक साथ मरबूत कर दिया जाए तो वो यकजान हो जाती हैं, फिर एक दरख्त की जो असल दरख्त में जब इसको इस तरह बांधा जाता है तो
तो एक दरख्त जो असल दरख्त के साथ होती है उसे नीचे से काट दिया जाता है, और जो अल दूसरा दरख्त की शाख होती है वो उसकी ग्राफ्टेड शक्ल बन जाती है और उसे ही पैवंदकारी कहा जाता है। तो ये इस वक्त दो दरख्तों के दरमियान पैवंदकारी का अमल मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद इन चारों शाखों के दरमियान इसी तरह का अमल करने के बाद हम इसे इसी तरह बांध देंगे। इस तरह इसे रस्सी से या धागे मोटे धागे से अच्छी तरह बांधने के बाद इसके ऊपर टेप चढ़ा दिया जाएगी, ताकि इसके दरमियान अगर कोई हवा जाने का कोई जगह नज़र आ रही हो, तो ये मैं इस वक्त वही अमल करने वाला हूँ कि इसको टेप जो है इसके इस हिस्से पर जहाँ पे मैंने धागे से बांधा है और जहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग के लिए दोनों शाखों को छील के एक दूसरे के साथ मिलाया था, इसे उसके ऊपर टेप भी लपेट दी जाएगी, ताकि इसमें हवा का गुजर ना होने पाए और वक्त के साथ साथ ये दोनों शाखें यकजा हो सकें। ग्राफ्टिंग का ये सिलसिला होता रहता है। इसी तरह हम इन दो को दूसरी दो शाखों के साथ ग्राफ्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम इन चारों को ऊपर और जिस जगह से हमने जी ये मैं ये दे ये इस वक्त इसकी ग्राफ्टिंग ये मुकम्मल हो गई है। अब हम इन चारों को शाखों को यकजा करके जिस जगह पे हमने एयर लेयरिंग तर्ज की कटिंग की थी उसके ऊपर और नीचे की जानिब इसे टेप से बांध देंगे, ताकि ये एक जगह से अपनी जगह से हिलने ना पाएँ और ये बाद अज़ां एक दरख्त की एक इकट्ठी इनकी जड़ें इकट्ठी होकर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएं, और जिस वक्त हम इसे एक एक अब ये हमने चार चार दरख्तों की ये जो शाखें हैं हमने इकट्ठी इसमें कर दी हैं एक एयर लेयर करने के तरीके के मुताबिक। अब हम इसे कोशिश ये एक कटी हुई बोतल लेकर उसके अंदर वो हिस्सा जहाँ पे हमने वहाँ पे जिस जगह पे हमने एयर लेयर की तरह की कटिंग की थी, इसमें हम मट्टी कंपोज बजरी और दूसरी चीज़ें मिलाकर इसके अंदर डालेंगे। नीचे नीचे वाला हिस्सा जो है वो हम एक दूसरे बोतल में पानी पानी में जो है वो डाल देंगे, इसमें बजरी और वो इससे पहले कि हम वो इसे वो जो कटी हुई बोतल है उसे बांधें, हम वो हिस्सा जहाँ पे हमने एयर लेयरिंग किया हुआ है वहाँ पे ये रूटिंग रूटिंग हार्मोन है, ये हम रूटिंग हार्मोन जहाँ जहाँ हमने एयर लेयर के लिए कटिंग की है उस जगह पर हम ये इस वक्त हम वो उस जगह पर लगा रहे हैं। फिर इसके बाद हम इसको बोतल इसके ऊपर वो चढ़ा के नीचे से बोतल को बंद करेंगे। तो इस वक्त हम थोड़ा थोड़ा जो है इसके ऊपर जो है जो रूटिंग पाउडर है इस जगह लगा देते हैं, ताकि इसकी रूट निकलने की रफ्तार जो है ज़रा थोड़ी तेज़ हो सके। रूटिंग पाउडर भी लगाया जाता है, इसकी जगह पर अगर शहद इस्तेमाल कर लिया जाए तो भी ये जो है रूटिंग, लेकिन होता ये है कि शहद के साथ रूट्स निकलती हैं लेकिन उनकी रफ्तार कम होती है और वो कम तादाद में निकलती हैं। तो ये इस तरह ये रूटिंग पाउडर लगाने से जड़ें ज़्यादा निकलती हैं। अब हम इसे बोतल को हम इसके ऊपर चढ़ा के इसके नीचे की साइड पे हम टेप लगाएंगे।
टेप लगाने से नीचे की साइड से मट्टी ड्रेन नहीं होगी और जो है इसके अंदर जो जो मट्टी और वो जो कंपोज और बजरी और दूसरी चीज़ों का मलबूबा जो है वो उस जगह पर बरकरार रहेगा जिस जगह हमने एयर लेयरिंग के लिए कटिंग की थी। तो ये एक मुरवजा तरीका है। वैसे तो इस जगह पर अगर ये इस मलबूबे को थोड़ा सा मॉइस्चर करके इस जगह पर रख के या बांध दिया जाए तो भी काम कारामद हो सकता है, लेकिन हमने ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका इख्तियार किया हुआ है। बोतल में जो है वो अच्छी तरह अगर कंपोज और ये चीज़ें भर के उसे अच्छी तरह दबा दिया जाए तो जिस जगह पर वो एयर लेयरिंग के लिए की टाइप की हमने कटिंग की है उस जगह पर जो है ये मिट्टी और इसकी की ग्रिप रहती है। और बजरी डालने का मकसद हमारा जो है वो ये है कि रूट्स को मिट्टी के अंदर फैलने का ज़्यादा अच्छा और बेहतर मौका मिल सके। ये इस वक्त मैं उसमें बजरी डाल रहा हूँ। बजरी डालने के बाद बजरी डालने के बाद मेरी कोशिश होगी कि इस चूँकि बोतल कटी हुई है तो इसके ऊपर एक टेप की और लेयर चढ़ा दी जाए ताकि ये इसकी ग्रिप अंदर जो मट्टी और हमने भरी है उसकी ग्रिप बरकरार रह सके। तो ये देख ये अब मैं इस वक्त ये इसको हम थोड़ा सा और टाइट करने करें कर रहे हैं ताकि बोतल चूँकि कटी हुई है इसलिए हम इसको इसका जो है वो इसमें इसे मट्टी की ग्रिप अंदर बेहतर हो सकेगी। ये हम इसे ये पानी आप देख रहे हैं कि ये एक कटी हुई बोतल का निचला हिस्सा है तो उसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसके अंदर हमने ये इसको इसके अंदर रख दिया है। इसके ऊपर हम एक कप एक पॉलीथीन का बैग चढ़ा देंगे और ये इस वक्त हम पॉलीथीन का एक बैग इस पे चढ़ा दिया है और उसे नीचे से भी अच्छी तरह जो है टेप से बंद कर देंगे ताकि इसके अंदर हवा दाखिल ना हो सके। उसके जो उसकी खुराक की ज़रूरत है वो पानी के ज़रिए पूरी होती रहेगी।